पिताजी मुझे पैसे दो। जा अपनी माँ से ले लो बेटा। माँ कहती है आप से लो। ओहो कितना चाहिए तुझे? दो रुपए। दो रुपए? हाँ। दो रुपए क्या करेगा बेटे? पिता भी लेंगे। ओफो लो मालती मेरी नीली बुशर्ट कर। जा जल्दी जा उसको। ये लो बुशर्ट तैयार है। चलो शोभा जल्दी करो नहीं तो बस की लाइन लंबी हो जाएगी। चलो मालती कंगी कहाँ है? हमें देर हो रही है। रखी तो है वहाँ। हमारी शीशी खत्म हो गई। हमें नहीं मिलती। इसमें एक बटन नहीं है, कोई देखता भी नहीं। माँ हम जा रहे हैं। अच्छा बेटा। हमें कोई दूसरी बिशर्ट देगा? अभी देती हूँ बेटा। रहने दो माँ, जैसे घर में और कोई है नहीं। हरी की माँ मैं जरा बैंक जा रहा हूँ पेंशन लाने। यहाँ क्यों, क्या बात है? बड़ी खुश नजर आ रही है। ये लो मैंने बनाए हैं। अच्छा? आज हमारी शादी की सालगिरह है ना। अरे अब तक तुम्हें याद है? याद है पहले कैसी दावतें उड़ाते थे। लो तुम भी खाओ। मैं नहीं खाऊंगी, तुम खा लो कोई आ जाए। अरे खाओ ना। सुनो क्या है? बाहर धूप होगी, लो और देखो जल्दी लौट आना। लो शर्मा जी आ गए। आइए 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 शर्मा जी। सुबह सुबह कहाँ चल दिए? हाँ। बड़े खुश नजर आ रहे हैं आज। अरे ये दो चार दिन की खुशियां तो जिंदा रखती है हमें साल भर। पेंशन लेने जा रहा हूँ, सुना है कल बंबई बंद है। रुकिए रुकिए शर्मा जी, जब तक पैसेंजर नहीं मिले मैं आपको छोड़ दूंगा। कुलकर्णी वो चाय वाला छोकरा आएगा ना तो उसको पैसे दे देना। चलो कमाल है यार। क्या हुआ? कोई याद भी नहीं दिलाता। क्या देखा नहीं माँ कैसे पिताजी की छतरी याद दिलाती है? पर तुम तो कभी छाता लेते ही नहीं। जूता तो पहनता हूँ ना। ये लो। रुमाल लिया? हाँ लिया। ये सुनो जल्दी आ जाना। सच भाभी इस बार टेस्ट मैच होगा तो तुम भी चलना, बहुत मजा आएगा। खाना वही बैठकर खाएंगे। क्या होता है मैच में? क्रिकेट खेलते हैं, एक आदमी बॉल फेंकता है दूसरा उसे बल्ले से मारता है। शादी में मैं और राम भैया खेल रहे थे, मैंने वो मारा और बॉल जाकर तुम्हारे ताऊजी को लगी। हाँ तभी ताऊजी बहुत नाराज हो रहे थे। हमें क्या मालूम वे तुम्हारे ताऊजी हैं, हमने समझा होगा कोई नौकर वोकर। क्या भाभी पानी। बच गए तुम, ताऊजी बहुत गुस्से वाले हैं, सारा शहर डरता है उनसे, पर वो मेरी हर बात को मानते हैं। लेकिन भाभी स्टेडियम में तो बहुत सुबह से क्यों में खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि वहां बहुत लंबी लाइन होती है। हरी जब मैं छोटी थी ना तो बहुत जिद किया करती थी, मुझे ये गुड़िया चाहिए मुझे वो चाहिए,
और ताऊ जी जो भी मैं बोलती थी वो कहीं से भी कैसे भी लेके आते थे और आपको वो मुझे कहानी सुनाया करते थे। और कहानी भी कौन सी? वही राजकुमार और राजकुमारी। एक राजकुमार था, एक राजकुमारी थी, एक राक्षस था जो दोनों को मिलने नहीं देता था। राजकुमार का घोड़ा हिनहिनाता हुआ हवा में उड़ने लगता और राजकुमारी को बचा लेता, बस वो बहुत खुश हो जाती। मालती, यार राम अब तू खरीद ही डाल ये साड़ी। हाँ क्या करूंगा खरीद के? अबे खुश हो जाएगी भाभी, बंबई में आजकल मस्का बहुत चलता है। छोड़ यार। यार राम अब तो खूब प्यार भरी बातें होती होंगी। हाँ सारा कुछ बताता भी नहीं। अरे हमें कुछ बता तो हम भी सजेस्ट करें। बताऊं क्या खाक? शादी से पहले कैसे मालूम था कि इतने झमेले होंगे? तू कल भी बाहर सोया था? कल? हाँ दो दिन से बाहर सो रहा हूँ। और इस हरी के बच्चे का क्या करूँ? जब देखो मालती के पास घुसा रहता है। माना भाभी और छोटे देवर में प्यार होता है, मगर इस देवर की एक और भी तो भाभी है। लेकिन नहीं, वो यहीं रात के 10-10 बजे तक कॉन्फ्रेंस लगाए रहेगा। इधर हरी अपनी क्रिकेट बखानता है, उधर मालती समझती तो कुछ भी नहीं लेकिन पता नहीं किन बातों में मस्त रहती है, जैसे हम कोई भी नहीं है। और एक कैरम बोर्ड तो एक दिन घर से बाहर फेंकने वाला हूँ। और कभी एक आध दिन हमें मौका भी मिलता है, हम कुछ प्रेम की बातें करने की कोशिश करते हैं, तब मालती अपने ताऊजी के गुणगान में मस्त हो जाती है। और अगर कहीं हवाई जहाज की आवाज आ गई तो बस छुट्टी। अम्मा मौका देखकर घुस जाया कर रसोई में। कैसे घुस जाए? उसी दिन की बात ले, मैं बाहर गैलरी में सो रहा था, एकाएक मालती की चीख आई। भाग गया, रात को चूहे बहुत निकलते हैं। छी मालती तुम तो हद कर देती हो, इतने से डर गए? चलो मैं यहां सोता हूं। तुम आराम से बाहर सो भैया, ये काम मेरे लिए छोड़ दो। देखो कौन चूहा आता है यहां, चट्टी बना कर रख दूंगा। तुम जाओ भैया जाओ। और वो बेवकूफ हरी दो रात वहीं सोया। माफ करना लेकिन तुम भी कम बेवकूफ नहीं हो। मैंने क्या किया? अमन लड़कियों के सामने यूं मिमियाने से काम बनता है क्या? है मर्द वो होता है जो शेर की तरह गरजता है, अपना हक यूं हाथ बढ़ा के छीन लेता है। छीनने की बात नहीं है यार, मालती कोई पराई है, उसका कोई दोष नहीं, लेकिन कुछ हालात ही ऐसे हैं। नहीं समझोगे तुम, नहीं समझोगे यार। वो पिक्चर देखिए तूने, वो धर्मेंद्र है जिसमें अपनी प्रेमिका को यूं जबरदस्ती सीने से जकड़ लेता है, वो छटपटाती है, घूंसे मारती है। चल भाई क्या नाम था उसका वो मारगोली नाम को? यार फिर क्या हुआ? होता क्या, लड़की खुद उससे चिपट जाती है। राम एक काम कर, आज घर जाके तू भी धर्मेंद्र बन जा, फिर देख। लेकिन तुझे ये सब कैसे मालूम, तेरी तो शादी नहीं हुई। अरे गुरु हम हिंदी पिक्चरें देखते हैं, हमें सब मालूम है। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? अरे इस तरह देख क्या रहे हो? क्यों देखना मना है? आज पान कहां से खाया है? क्यों पान खाना मना है? कभी खाते नहीं थे, आज क्या बात हुई? अब तो ऐसे ही होगा। क्या होगा, रोज पान खाओगे? पान खाऊंगा, सिगरेट पीऊंगा, जो मन में आएगा वो करूंगा। धर्मेंद्र क्या हा? अच्छा अब तुम जाओ। अरे जाओ ना, क्या हो गया तुम्हें? ओफो क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा? कोई नहीं देखेगा। अरे बाबा भैया भाभी जगे हुए हैं, जल्दी जाओ। कोई नहीं देखेगा। जाओ ना। कोई नहीं देखेगा।